करेंगे प्रेरणा का मेकअप, और आज अच्छा सा हैवी लुक होने वाला है ब्लू लहंगे में। सो स्टे ट्यून और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना प्रेरणा पालीवाल, जावेद अभी बो रही और दैट मिस इशू, और मेरा सारे लुक्स आपको देखने को मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं CTM स्टार्ट कर रही हूँ, यानी कि क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग। सो सबसे पहले मैंने प्रेरणा के फेस को अच्छे से क्लीन किया, देन यहाँ पे हम टोनर यूज़ करें। सो मैंने अच्छे से टोनर अप्लाई कर दिया, देन थोड़ा सा टाइम दिया, एंड देन अब हम अपना मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। सो थोड़ा सा मैंने उसके बाल पीछे कर दिए, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं जेल मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ और इसको मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। एंड देन उसके बाद मैंने सेटअपल का मॉइस्चराइज़र भी लगाया था। सो आई डोंट नो, क्लिप नहीं, शायद शूट नहीं हुई है तो इसीलिए वो दिखा नहीं, बट पहले मैंने अच्छे से जेल मॉइस्चराइज़र लगाया, फेस को अच्छे से हाइड्रेट कर दिया। प्रेरणा की जो स्किन थी वो ड्राई थी, तो जो ड्राई स्किन वाले होते हैं उसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना इंपॉर्टेंट होता है। सो अच्छे से मॉइस्चराइज़ करो और सीरम वगैरह लगाओ। सो हमने क्या क्या किया था कि सबसे गाइस CTM इज़ डन, अब हम बेस मेकअप स्टार्ट करेंगे। गाइस हमने प्रेरणा को रुला दिया, देखो प्रेरणा रोती हुई ऐसी दिखती है। पहले टोनर लगाया, देन उसके बाद हमने लगाया था जेल मॉइस्चराइज़र, देन उसके बाद सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र लगाया था, देन उसके बाद फेशियल ऑयल भी लगाया था। देन चलो बेस मेकअप स्टार्ट करते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैम ने क्या किया है, ऑरेंज कलर का मीन्स डार्क येलो इन ऑरेंज कलर का कंसीलर उठा के अच्छे से ब्लेंड कराया, देन थोड़ा सा डार्क कंसीलर लगाया था उसके ऊपर एंड ब्लेंड कर दिया अच्छे से, डार्क की सारी जितनी भी डार्कनेस ग्रेनेस है वो सब रिमूव हो जाए, एंड मीन्स रिमूव नहीं हो जाए, हाइड हो जाए। एंड देन उसके ऊपर हम लाइट कंसीलर फाउंडेशन जो भी लगाते हैं, सो सबसे पहले जो बेस होता है उसको हमें स्किन टोन जैसा करना होता है या फिर थोड़ा सा डार्क कंसीलर ही लगाना होता है ताकि ग्रे नहीं पड़े। सो डार्क कंसीलर लगा के उसके ऊपर लाइट फाउंडेशन लगा के अच्छे से ब्लेंड कर दिया गया है, लिक्विड प्रोडक्ट है। सो अगर हमें लिक्विड प्रोडक्ट कर मतलब कि लिक्विड जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो साथ ही साथ लगाए जाते हैं, जैसे बेस हो गया लिक्विड, देन अगर कॉन्टोरिंग करना है तो पाउडर से सेट करने से पहले ही लिक्विड कॉन्टोर करेंगे, अगर ब्लश लगाना है तो लिक्विड ब्लश लगाएंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे लिक्विड कॉन्टोर हो गया है, देन उसके बाद सेट कर रहे हैं फेस को, लॉक कर रहे हैं लूज पाउडर की हेल्प से। ज़्यादातर जो प्रोडक्ट है वो मेकअप स्टूडियो एंड मतलब कि अच्छे अच्छे ब्रांड के करे थे, एंड अब आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। सो आई मेकअप के लिए थोड़ा सा स्मोकी ब्लू आईज़ कर रहे हैं। सो पहले तो ब्लैक कलर लगा के उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया, एक बेस तैयार किया है हमारा ब्लू कलर लगाने के लिए, देन उसको मैम अच्छे से ब्लेंड कर रही हैं, लाइक थोड़ा सा स्मोकीनेस दे रही हैं। एंड उसके बाद ब्लू कलर लगा के थोड़ा सा शिमर्स लगा दिए थे, एंड देन यहाँ पे मिनरलाइजिंग पाउडर से मैम जितना भी एक्सेस पाउडर लगाया था ना बेकिंग के लिए उसको रिमूव कर रही है ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करते हुए। एंड देन हम लोअर लैश लाइन का आई मेकअप को कंप्लीट करेंगे, उसके लिए भी डार्क ब्लू कलर का आई शेडो लेके थोड़ा सा ग्लिटर ऐड करके ब्लेंड करा गया है। देन उसके बाद यहाँ पे ब्लश लगा दिया है मैम ने अच्छा सा, एंड थोड़ा ज़्यादा ब्लश इसलिए लगाया है बिकॉज सेटल डाउन हो जाता है ब्लश अगर आप पाउडर ब्रश लगा रहे हो तो। फिर उसके बाद पैक का हाइलाइटर लगाया है, अच्छा सा ग्लो मिल गया है। देन उसके बाद आईब्रोज़ को सेट कर दिया गया है, ग्रूम कर दिया गया है। देन अब हेयर स्टाइल की बारी आई है। सो हेयर स्टाइल में हमने थोड़ा सा हेयर एक्सटेंशन भी लगाई थी बिकॉज प्रेरणा के हेयर शॉर्ट्स थे और शॉर्ट भी कर सकते थे बट हमें थोड़ा सा कर्ल करना था तो उसके लिए ज़्यादा शॉर्ट पड़ रहे थे, सो इसलिए हेयर एक्सटेंशन लगाई थी। सो क्रिम्प कर दिए गए हैं हेयर को, एंड देन यहाँ पे मैम लिपस्टिक लगा रही है, एंड दिस इज़ कस्टमाइज लिपस्टिक, लाइक लिप पैलेट में से पिंक थोड़ा सा वाइट एंड कस्टमाइज कलर लेके मैम ने बनाया है, एंड देन मैम उसको अप्लाई कर रही है। देन हेयर स्टाइल बनाई है, हेयर स्टाइल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी गॉर्जियस बनी थी, थोड़ा सा मतलब कि साइड वेव करके, और फिर यहाँ पे लहंगा अच्छे से पहनाया जा रहा है। एंड अब मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ प्रेरणा का। गाइस दिस इज द फुल लुक, शी इज लुकिंग सो गॉर्जियस, एंड लुक भी बहुत ज़्यादा अच्छा टर्न आउट हुआ है। कैसा लगा लुक? बहुत अच्छा लगा। बस हम लोग को थोड़ा उसको घर जल्दी जाना है इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी फोटोज क्लिक कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं अच्छी अच्छी फोटोज आए। लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्रेरणा पालीवाल एंड माय चैनल आल्सो ऑल अबाउट अ रेशो। दिस इज़ द फुल लुक, इफ यू लाइक इट लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अगर आपको भी ऐसा लुक चाहिए सो डू विजिट
जावेद हबीब उरई, ये स्टेशन रोड पे है, उरई में नियर पंजाब नेशनल बैंक एट रुद्राक्ष कॉम्प्लेक्स, जावेद हबीब टिकटॉक के जस्ट ऊपर। सो डू कम विजिट एंड टेक सर्विसेज। इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम ऑल्सो, उसका नाम है दैट मिस अलीशु, नीचे लिख के आ रहा है, जल्दी से जाइए सर्च करिए एंड फॉलो कर लीजिए। सो बाय बाय गाइस।